फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम विंडो 10 को विंडो 11 में अपग्रेड करने वाले हैं। और विंडो 11 आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी दे रही है, अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ तो परफॉर्मेंस भी अच्छी है। प्रोग्राम फाइल वगैरह सब चीज़ बहुत बढ़िया चल रही है। और आपको विंडो 11 अगर पसंद नहीं आती तो प्रीवियस वर्जन में भी आ सकते हैं, वो भी मैं इसी वीडियो में आपको आगे सिखाऊंगा। तो आपको चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट। आपको सबसे पहले सर्च में जाना, सर्च में सेटिंग सर्च करनी है। उसके बाद आपको अपडेट एंड सिक्योरिटी में जाना। सबसे नीचे आपको सबसे पहले आपको विंडो अपडेट चेक करना है, आपका लेटेस्ट होना चाहिए। फिर आपको विंडो इंसाइडर प्रोग्राम में जाना है। इसमें आपको ये डेव चैनल करके आपको आ रहा होगा, इसमें दो तीन और आते हैं, बेटा चैनल और लाइबल प्रीव्यू। तो मैंने डेव चैनल में कर रखा है। तो डेव चैनल में क्लिक करने के बाद आपको विंडो अपडेट में जाना होगा। विंडो अपडेट में जाने के बाद आपको चेक टू अपडेट करना होगा। आप चेक टू अपडेट करेंगे तो आपको इसमें विंडो 11 का अपडेट आ जाएगा। जिस पे अभी आप क्लिक करोगे वही वाला वर्जन आपका अपडेट के लिए चालू हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लग सकता है कि सब चीज़ इंटरनेट के ऊपर भी है और सब माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड के ऊपर भी है कि वो अपना कैसा परफॉर्मेंस देता है, वहाँ से इंटरनेट कैसा मिलता है। ये देखिए, आपको एक HP का, वो तो कुछ नहीं है, वो तो नॉर्मल अपडेट है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके ऊपर आप देख रहे हो कि विंडो 11 का इनसाइडर प्रीव्यू का अपडेट आ रखा है। तो ये अब 0% है, अब थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको अपडेट होने में, हाफ एन आवर के समथिंग लग जाता है। तो ये 24% हो गया, ये पूरा अपडेट मतलब इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपको रिस्टार्ट के लिए कहेगा, आप रिस्टार्ट पे क्लिक करेंगे और कंप्यूटर रिस्टार्ट में चला जाएगा और वहीं पर ही आपकी इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगी। आपको कुछ भी करना नहीं है, उसके बाद सीधा आपकी स्टार्ट होगी विंडो 11। इसमें आप देखोगे तो इसमें आपको व्यू, सॉर्ट, अंडू, न्यू आइटम, डिस्प्ले सेटिंग और ओपन न्यू टर्मिनल के नाम से चीज़ें आ रही हैं। आपको रिफ्रेश का बटन नहीं दिखेगा राइट क्लिक करने पे। आप शो मोर ऑप्शंस में जाएंगे तो आपको रिफ्रेश का बटन भी मिल जाएगा, जो अभी तक नहीं, इसमें नहीं शो कर रहा है। ये पुरानी वाली से विंडो में आता है, मे बी ये बंद कर देंगे इन फ्यूचर में, रिफ्रेश के लिए कोई बटन नहीं रहेगा। और आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से ऊपर दिख रहा होगा। और ऑल एप्लीकेशन पे करेंगे तो जो भी आपके प्रोग्राम में इंस्टॉल होगी प्रीवियस एप्लीकेशन, वो सारी यहाँ पर शो करेंगी। अगर आपको यहाँ से नहीं मिलता तो आप सर्च भी कर सकते हैं, इसमें सर्च का ऑप्शन भी जैसे पुरानी वाली में था, यहाँ पर आप सर्च करोगे कुछ भी तो वो आपकी जो इंस्टॉल होगा वो आ जाएगा। जैसे सेटिंग सर्च करा तो सेटिंग आ गई इसमें। और आपका ये मल्टी विंडोज़ के नाम से, डेस्कटॉप 1, डेस्कटॉप 2 के नाम से ये चीज़ें, इसमें क्या होता है जैसे कि आप ये मान लीजिए आप गूगल क्रोम यूज़ करते हो, उसमें न्यू टैब करते जाते हैं, तो वही चीज़ सेम इसमें वो होगी। अगर डेस्कटॉप के ऊपर आपकी कोई फाइल पड़ी है तो वो एज इट इज सारी डेस्कटॉप पे शो करेगी, डेस्कटॉप चाहे जितने मर्जी कर लीजिए। ऐसे ही आपके विंडो में ओपन न्यू विंडो टर्मिनल के नाम से भी आएगी। जैसे मैंने एक टेस्ट फाइल बनाई अभी, तो ये मैंने एक टेस्ट फाइल बनाई है, आप देखोगे। अब मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, अब किसी भी डेस्कटॉप डेस्कटॉप 7 पे गया, उसमें भी ये फाइल शो कर रही है। तो जो डेस्कटॉप की आपकी जो भी फाइल पड़ी होंगी वो सारी पड़ी रहेंगी, और जो आपका माइक्रोसॉफ्ट एज है वो भी एज इट इज़ है। ये माइक्रोसॉफ्ट का प्ले स्टोर है जिस पे आपको एप्लीकेशन वगैरह जो भी है, गेमिंग की, प्राइम वीडियो, माइक्रोसॉफ्ट 365 सब मिल जाएगा। ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का ऐड अकाउंट करने के लिए कह रहा है, जैसे कि आप कोई भी अकाउंट इसमें ऐड कर सकते हैं। ये विंडो होगी आपकी, दिस पीसी जो माई कंप्यूटर आता था पहले, इसकी भी बहुत अच्छी कलरिंग कर रखी है इन्होंने। और सारी ड्राइव जैसी थी मेरी एच डी, सारा डाटा इसमें पड़ा हुआ है, सीडी ड्राइव वगैरह, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, म्यूजिक, वीडियो, पिक्चर, मतलब बहुत अच्छी ग्राफिक कर रखा है। और आपको कंट्रोल पैनल अगर सर्च करो तो कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल में अगर आपको सारी चीज़ जैसे पहले आती थी वही सारी चीज़ अभी भी आती हैं। आपको अनइंस्टॉल प्रोग्राम करना है तो प्रोग्राम को जैसे हम प्रीवियस में विंडो में अनइंस्टॉल करते हुए आए हैं अभी तक, वैसे अभी भी इसमें भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और ऐड नेटवर्क सेटिंग वगैरह जो है वो चीज़ ऐसे भी है और आपको दूसरे तरीके से भी है कर सकते हैं। जैसे राइट क्लिक करोगे तो वहाँ पर एडिट करने का ऑप्शन आता है, तो उससे भी आप नेटवर्क की सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद आपको सर्च पे जाना है। सर्च पे जाने के बाद आपको सेटिंग नहीं, सेटिंग नहीं, रीसेट आपको सर्च करना है। रीसेट दिस पीसी आपको लिखना है ऊपर, रीसेट भी लिख दोगे तो भी आ जाएगा, रीसेट दिस पीसी। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको रीसेट दिस पीसी आ रहा होगा सेकंड वाला,
और बीच वाला प्रीवियस वर्जन ऑफ विंडो इसमें लिखा हुआ आ रहा होगा, आपको प्रीवियस दिस विंडो में जाना है, क्लिक करना है आपको विंडो 10 में अगर जाना है तो वापस इसमें आपको लिखना, मतलब जो आपको ऑप्शन इसमें जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिस रीजन से आप प्रीवियस विंडो में जाना चाहते हैं। तो उसमें चेक टू अपडेट करना है वो हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें चेक अपडेट नहीं करना है, हमें नो थैंक्स करके आगे कर देना क्योंकि हमारे में इंस्टॉल प्रीवियस विंडो इंस्टॉल थी पहले से। नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद दोबारा से ये नेक्स्ट क्लिक करा है और ये गो गो बैक प्रीवियस विंडो के लिए क्लिक करना है आपको, गो बैक पे आपको रिस्टार्ट हो जाएगा इसके बाद पीसी। रिस्टार्ट होने के बाद आपको एज इट इज़ जैसा आपका पीसी पहले था विंडो 10 वही चीज़ सारी मेनू वही वापस आ जाएगा। थैंक यू।